हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मेरा जो लैपटॉप है वो नाइट्रो 5 राइजन 7 4800H प्रोसेसर का 2020 मॉडल है। तो इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस हुए है, उसमें से एक है कि ये नाइट्रो सेंस है वो वर्क नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसको कितने भी बार अगर स्टार्ट कर दिया तो भी वो ओपन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको हर तरीके से ओपन करने की कोशिश करूँ तो भी वो ओपन नहीं हो रहा है। पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों आ चुका है। मेरा लैपटॉप कुछ दिनों से बंद था, ऑलमोस्ट 10 दिनों से बंद था। मे बी उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा कि अपडेट नहीं हो गया वो, लाइक ऐसे कुछ। तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें नाइट्रो सेंस को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल में पैनल में जाने के बाद आप ये यहाँ पे देख सकते हो कि अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर को ढूंढना है। तो ये नाइट्रो सेंस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको एस कर देंगे। तो अभी जस्ट हमें इसको अनइंस्टॉल करना है तो नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी हमारा नाइट्रो सेंस रिमूव हो चुका है तो हम इसको फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रो सेंस हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे एसर सर्च करना है और एसर सर्च करने के बाद हमें आपकी कंट्री का जो अगर कोई भी साइट हो तो हम उस वाले एसर में हम जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सपोर्ट पे जाना है कि हमें यहाँ पे गेट सपोर्ट पे क्लिक करना है। और गेट सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अगर आपके मॉडल का सीरियल नंबर पता होगा तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हो और यहाँ पे आप उसके मॉडल नंबर से भी सर्च कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे मेरा नोटबुक है और उसके बाद यहाँ पे मेरा नाइट्रो सीरीज का लैपटॉप है। नाइट्रो सीरीज में मेरा मॉडल नंबर जो है वो नाइट्रो AN515 44 वाला मॉडल नंबर है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो उसके बाद ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा मॉडल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और एप्लीकेशन में जाएंगे। एप्लीकेशन में जाने के बाद हम यहाँ पे नाइट्रो सेंस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, तो इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने जो डाउनलोड करके रखा है उसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको डाउनलोड करके यहाँ पे रखा है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और अभी एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसके अंदर नाइट्रो सेटअप को स्टार्ट करेंगे। अभी हमें सिर्फ एस करना है और उसके बाद एग्री करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रो सेंस इंस्टॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। नाइट्रो सेंस को इंस्टॉल करने के बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सीएमडी डालेंगे। सीएमडी डालने के बाद हम यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। उसके बाद हम इसको एस करेंगे। एस करने के बाद हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जाके कमांड पेस्ट करते हैं। तो एक कमांड है, हम इसको कॉपी करेंगे। एक कमांड को हम कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो इसके बाद हम इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करेंगे और इसको भी हम क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नाइट्रो सेंस वर्जन 3.1 फोल्डर में जाके हमें इस वाले फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। अभी ये फोल्डर ओपन करने के बाद हमें इसको फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो रीइंस्टॉल हो चुका है। रीइंस्टॉल होने के बाद हमें यहीं से इसको लॉन्च करना पड़ेगा। तो हम लॉन्च करके चेक करेंगे कि ये नाइट्रो सेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी मैं लॉन्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। तो यही प्रोसीजर फॉलो करके आप अपना भी नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर ठीक कर सकते हो। तो
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके लैपटॉप में कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। और दूसरे भी वीडियो के कुछ सजेशन हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर भी ज़रूर कमेंट करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।